वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ द ग्रेट कंजंक्शन ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न जो हो रहा है उसके बारे में कुछ जानकारी शेयर करना चाह रहा हूँ। देखिए, ये जो कंजंक्शन है, कंजंक्शन मतलब युति, अगर साधारण भाषा में बोला जाए तो कोई भी दो चीज़ एक साथ मिल जाए तो उन्हें हम युति कहते हैं। ऐसे ही आसमान में जुपिटर और सैटर्न जो गुरु ग्रह और शनि ग्रह हैं, आसमान में हमें एक साथ दिखने वाले हैं। इसे ही हम एस्ट्रोनॉमिकल भाषा या फिर खगोल शास्त्रीय भाषा में कंजंक्शन कहते हैं, या फिर हमारे रीजनल लैंग्वेज में युति कहेंगे। ये जो युति है सबसे पास कब होने वाली है तो वो 21 दिसंबर 2020 को होने वाली है। ये जो दो ग्रह है इनका जो बीच का गैपिंग या डिस्टेंस जो हमें पृथ्वी से दिखेगा वो 0.1 डिग्री होगा। मतलब अगर हम पृथ्वी से इन दो ग्रहों को देख रहे हैं तो ये हमें एक चमकदार तारा या फिर ये चमकदार प्लैनेट हमें एक ही नजर आएंगे। हालांकि वहां पे दो प्लैनेट्स रहेंगे। स्टेलारियम, ये जो सॉफ्टवेयर है ये मैं बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। मैंने जो एस्ट्रोनॉमी की शुरुआत की थी तभी से मैं ये स्टेलारियम सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहा हूँ। अप्रॉक्सीमेट 6 बजे आसमान में, आज 17 तारीख है, आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 17 दिसंबर को, तो आसमान में चांद रहेगा, मून विल बी देयर। थोड़ा क्लोज देखे जाता हूँ तो क्रिसेंट मून हम देख सकते हैं और इसके आसपास सैटर्न और जुपिटर, शनि और गुरु ग्रह आसमान में, ये दो ग्रह चांद के साथ आपको दिखाई देंगे। आप नॉर्मली आँखों से भी ये देख सकते हो बट वो आपको दो अलग अलग ग्रह दिख सकते हैं क्योंकि उनका डिस्टेंस अभी कम नहीं हुआ, लेकिन आज के बाद उनका डिस्टेंस कम होने की शुरुआत हो गई है तो ये नॉर्मली हम देख सकते हैं। तो ऐसे लगेगा हमें आसमान में फिलहाल तो एक ही कोई ग्रह है, मून चांद के बाजू में एक ही ग्रह है। मैं 18 दिसंबर कर रहा हूँ और थोड़ा मून का डिस्टेंस बढ़ गया लेकिन इनका जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होने लगा है। 19 को और कम हो गया, 20 को मैं और थोड़ा जूम कर रहा हूँ, जूम इन कर रहा हूँ। जुपिटर के चार चांद हमें दिखते हैं, आयो, यूरोपा, गनीमेड एंड कैलिस्टो। 1610 में गैलीलियन गैलीलियो ने फर्स्ट टाइम जुपिटर को देखा टेलीस्कोप का उपयोग करके। उसके बाद 1623 में गैलीलियो ने फर्स्ट टाइम गुरु ग्रह और शनि की युति देखी, मतलब ये जो कंजंक्शन है 1623 में गैलीलियो ने देखा था। तो 21 तारीख मैं अभी 21 तारीख कर देता हूँ यहाँ पे और हम देख सकते हैं कि ये दोनों बहुत पास आ गए और इनका डिस्टेंस जो होगा वो 0.1 डिग्री होगा थोड़ा जूम आउट करके आपको दिखा देता हूँ। तो आसमान में अगर वेस्ट, पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा के बीच में साउथ वेस्ट, यहाँ पे हमें दिख सकता है आफ्टर सनसेट, मतलब सूरज डूबने के बाद ये दोनों प्लैनेट समेत दिखने की शुरुआत हो जाएगी। मैं अगर टेलीस्कोप से अगर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो मैं दिखा देता हूँ टेलीस्कोप से कैसे दिखेंगे। हम टेलीस्कोप से देखेंगे 20 तारीख 19, मेरे पास 25 mm का लेंस है मेरे टेलीस्कोप के लिए, मेरे पास 25 mm, उसमें सैटर्न और जुपिटर इनका डिस्टेंस हम देख सकते हैं। यहाँ पे शनि ग्रह है और यहाँ पे गुरु ग्रह, गुरु के चार चांद तो नज़र आएंगे टेलीस्कोप से और शनि भी नज़र आएगा। मैं थोड़ा सा डेट आगे देता 18 का 19 को दोनों का डिस्टेंस बहुत कम हो गया, 20 को और क्लोज आ गए, 21 को अगर हम टेलीस्कोप से देखेंगे 25 mm जो लेंस रहता है उससे अगर हम देखेंगे तो ये दोनों एकदम सटीक हुए नज़र आएंगे। सपोज करो मैं और 10 mm कर दूं तो ये एकदम क्लोज आ जाएंगे, ये दोनों प्लैनेट्स जो है एकदम क्लोज दिखेंगे हमें। उसके बाद 22 को दूरी बढ़ेगी, 23-24 को उनका डिस्टेंस और बढ़ जाएगा। मैं अभी 10 mm, अभी मैंने 14 mm किया है, मैं इसको 10 mm में कन्वर्ट कर देता हूँ। 25-26, अभी मैं टेलीस्कोप क्यूब निकाल लेता हूँ तो आप देख सकते हो कि उनका डिस्टेंस अभी 25-22-23 के बाद बढ़ेगा, फिर से वो दूर होने लगेगा। 29 तारीख
और ये डिस्टेंस अभी हम आसमान में अगर 29-30 तारीख को देखेंगे 30 दिसंबर के आसपास, तो वो हमें अलग अलग दो प्लैनेट्स विजिबल हो जाएंगे। तो दोस्तों ये जो इवेंट है ये आप ज़रूर देखिए, आपके आसपास कोई टेलीस्कोप किसी के पास हो या फिर बायनाकुलर, नॉर्मल अगर बायनाकुलर छोटा बायनाकुलर भी होता है तो उससे आप देख सकते हो। अगर इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं भी ट्राई करूँगा इसे फोटोग्राफ करने के लिए। फोटोग्राफी में थोड़ा सा दिक्कत आएगा क्योंकि इन दोनों का जो डिस्टेंस है और उनका जो लाइट जो आ रहा है वो कम ज़्यादा है, बहुत कम ज़्यादा है। इसका मैग्नीट्यूड 0.63 है और इनका मैग्नीट्यूड -1.9, तो इसके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो फोटोग्राफी के लिए थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। बट अदरवाइज ये चीज़ आप नेकेड आई से देख सकते हो। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।